चक्रवाती तूफान ताऊते के बाद चक्रवाती तूफान यास का असर देखने को मिला, जिसके तहत गुरुवार को पूरे दिन रिमझिम बारिश होती रही, जिससे लोगों की दिनचर्या प्रभावित हुई। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के मुताबिक आने वाले अगले एक दो दिन झोंके के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। इस संबंध में जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण में आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि मौसम विभाग द्वारा हम लोगों को वेदर फोरकास्ट मिल रहा है, जिसको देखते हुए NDRF ने सभी विभागों को अलर्ट जारी कर दिया है, किसी प्रकार की सूचना पर त्वरित कार्रवाई की जा सके। NDRF लगातार मौसम विभाग के संपर्क में है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण के आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया। हो रही है, आप देख सकते हैं ना, इसमें ये दो दिनों का फोरकास्ट IMD द्वारा इसमें है 27 और 28 का, जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश में 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार पे झोंके भरी हवा चलने की बात है, झोंकेदार हवा। तो आज दो दिनों का है, आज और कल के लिए है, उसके अनुसार कार्रवाई की जा रही है। फिर धीरे धीरे मौसम सामान्य हो जाएगा, जो प्रोजेक्शन आया है वो प्रोजेक्शन देखिए, अभी ये कह पाना संभव नहीं है कि कमज़ोर पड़ा है या किसी प्रकार का मतलब स्ट्रेन में कमी आई है। अभी जैसा कि IMD द्वारा जो हम लोग को सूचना प्राप्त हुई थी, उसके अनुसार आज और कल का जो दिन है 27 और 28 तारीख का जो दिन है, वो अति संवेदनशील उसमें रखा गया है, और इसलिए हम लोगों ने सारे डिपार्टमेंट्स को अलर्ट जारी किया था कि सभी डिपार्टमेंट्स अपने भौतिक और मानवीय संसाधनों सहित तैयार रहें, जैसे कि यदि कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो तत्काल हम लोग उसमें रिस्पॉन्ड कर सकें। तो अभी ये मौसम इस तरीके से आज और कल तक बना रहेगा, और अभी भी हम लोग को IMD से जो टच में हैं तो उनके अनुसार ये है कि झोंके भरी हवा चलने की संभावना है। तो अभी देखते हैं, और अगर कुछ इस तरह की सिचुएशन अराइज होती है तो उस पर हम लोग रिस्पॉन्ड करेंगे। देखिए, यहाँ पर NDRF और SDRF की टीमें हैं और दोनों स्टैंड बाई मोड में हैं, कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और हमारे साथ इसमें सिविल डिफेंस की भी एक अच्छी टीम है गोरखपुर में, और हमारे साथ यहाँ पे जो और भी विभाग हैं, पुलिस डिपार्टमेंट हैं, और भी जो हमारे सुरक्षा से संबंधित टीमें हैं, सभी अलर्ट मोड में हैं, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। मैन पावर पर्याप्त है, और अगर किसी तरह की कोई सहयोग की आवश्यकता होगी तो इन डिपार्टमेंट से हम लोग सहयोग प्राप्त करेंगे।